हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और हम लोग पढ़ रहे थे इंग्लिश पेडागोगी, जिसमें हमने लैंग्वेज पढ़ा था सबसे पहले। इसके बाद में हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, दो वीडियो में पहले बना चुका हूँ। इसके बाद हमने यहाँ पे इसके प्रिंसिपल्स पढ़े थे 15, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, इसके अंदर हमने पढ़ा था अराउजिंग टेक्निक्स, एक्सपेक्टेंसी टेक्निक्स, इसके अलावा इंसेंटिव टेक्निक, इसके अलावा हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। इसके पहले के दो वीडियो आप जरूर देखिएगा, ठीक है। इमिटेशन, अप्रोच, प्रैक्टिस एंड ड्रिल, ऑर्डर लर्निंग, सिचुएशनल अप्रोच, मदर टंग, इसके अलावा एडॉप्टेशन एंड मल्टीपल अप्रोच, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन, ग्रेडेशन जो मैंने आपको बताया था ग्रेड में करना, प्रिंसिपल ऑफ रीडिंग, एक्सपोजर टू द लैंग्वेज, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन विथ लाइफ, और एक हमने पढ़ा था एक्यूरेसी, करेक्टनेस और ग्रुप वर्क। तो ये हम कंप्लीट कर चुके थे यहाँ तक। अब हम पढ़ रहे हैं इसके आगे। इसके अलावा एक और आपसे पूछा जाता है, मैगजीन्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। देखिए, मैगजीन्स जो होते हैं ये टीचर को हेल्प करते हैं एक प्रॉपर वे में पढ़ाने के लिए। मैगजीन्स ऑफ टीचिंग आर यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस, दे हेल्प द टीचर टू टीच सिस्टमेटिकली। ये टीचर को हेल्प करते हैं कि टीचर जो है सिस्टमेटिकली बच्चों को पढ़ा सके। द डिफरेंट मैगजीन्स ऑफ टीचिंग आर एज फॉलोज। टोटल 10 से 12 मैगजीन्स है जो कि आपको याद रखने हैं। तो आप ध्यान रखिएगा ये मैगजीन्स जो है ये कौन कौन से हैं। सबसे पहला है नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर। आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा इसको, नोन टू अननोन। आप बोलेंगे कि नोन टू अननोन मतलब कैसे सर? तो ये किस पे बेस्ड ये किस पे बेस्ड होता है कि इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट लर्नर नोज समथिंग। एक ऐसे फैक्ट के ऊपर जिसके बारे में ऑलरेडी जो लर्नर है, जो सीखने वाला है, वो जानता है ना। जैसे मान लीजिए कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं चांद के बारे में, मून के बारे में, तो बच्चे को पता है कि हाँ मून क्या होता है। उसके बाद में फिर आप उसको ऐसी चीज़ें बताओ जो कि वो नहीं जानता है। वो जानता है कि सन क्या होता है, सूरज क्या होता है, उसके बाद में उससे रिलेटेड चीज़ें जो कि वो नहीं जानता है। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट अ लर्नर नोज समथिंग, है ना। इसके माध्यम से लर्नर जो है वो कुछ सीखता है। इट इज़ कंसिडर्ड दैट ओल्ड नॉलेज लेज द फाउंडेशन ऑफ न्यू नॉलेज। पुराना अगर कुछ नॉलेज होगा तो उसके द्वारा नया नॉलेज लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रीवियस नॉलेज ऑफ अ लर्नर कैन बी यूज टू इंक्रीज एंड विडन द आउटलुक ऑफ अ लर्नर। मान लीजिए कि आपको किसी चीज़ के बारे में पहले से जानकारी है और उसके बारे में अगर आप और ज़्यादा जानकारी जो है वो स्टूडेंट्स को देते हैं तो वो ईजी वे में उसे लर्न कर पाएंगे, उसे सीख पाएंगे। एग्जाम्पल, प्रोनाउन कैन बी टॉट ओनली वेन द लर्नर हैज़ अ नॉलेज ऑफ नाउन। देखिए, अगर मैं बच्चों को डायरेक्ट पढ़ाऊँ कि देखो बच्चों प्रोनाउन क्या होता है, हाँ सर क्या होता है बताओ, तो कि भैया ऐसा है कि प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज़ यूज एट द प्लेस ऑफ नाउन। प्लेस ऑफ नाउन, नाउन क्या होता है? बोलेंगे नाउन बाद में पढ़ाएंगे, पहले प्रोनाउन पढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ, और ज़्यादा है कि ज़्यादा जो है सामने सामने नहीं बोलने का है, ठीक है। तो ऐसे नहीं पढ़ा सकते हम, उसको पढ़ाना पड़ेगा नाउन क्या होता है, ठीक है। तो पहले उसको आप पढ़ाइए नाउन, उसके बाद उसे पढ़ाइए प्रोनाउन, उसके बाद उसे बताइए कि एडजेक्टिव क्या होता है। आपने उसे पहले बताया कि देखो भैया ऐसा है कि ये एक बॉय है, ये जो बॉय है ना ये एक नाउन है जिसके साथ एक आर्टिकल का यूज होता है। आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ छोटा सा। वैसे आप अब थोड़े टाइम बाद स्कूल में पढ़ाने जाएंगे, है ना, क्योंकि जॉब तो आपकी लग ही जाएगी। लेकिन उसके पहले मैं मान लीजिए कि आपके एग्ज़ाम में सड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है और उसी के बेस पे आपका अगर सिलेक्शन तय होता है तो आप क्या जवाब देंगे, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए आगे बच्चों के भविष्य का भी सवाल है ना। हाँ, क्योंकि हमें हमारे भविष्य की चिंता है, लेकिन जो आगे जिन बच्चों को हम पढ़ाएंगे उनका भी एक भविष्य होगा। तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे मैं एक सेंटेंस देता हूँ आपको, एक सेकेंड थोड़ा सा मैं इसको, कि राम इज
यहाँ पे मैंने लिख दिया, देखिए आपके लिए ऑनेस्ट। आप अपनी ईमानदारी से इसका जवाब अपनी कॉपी में लिखिएगा कि हालांकि आपको आता होगा ये, तो आप ईमानदारी से बताइए कि राम इज ऑनेस्ट, तो अ ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट, द ऑनेस्ट या नन ऑफ दिस, क्या ऑप्शन लगाएंगे आप इसमें? लिखिए अपनी कॉपी में, आप लिखिए लिखिए, लिखा होगा आपने, है ना? आपने लगाया होगा एन। क्यों एन? क्योंकि ऑनेस्ट में अ आता है। अच्छा एक काम करिए, आप अपने आप को ईमानदार बोल के देखिए जरा, बोलिए बोलिए कि मैं ईमानदार हूँ। क्या आप ऐसे बोलेंगे आई एम एन ऑनेस्ट? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। आप बोलेंगे सर आई एम ऑनेस्ट। आप में बहुत सारी गर्ल्स होगी, महिलाएं होगी, वो अपने आप को सुंदर कह के देखिए। देखिए एक झूठ भगवान माफ करता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल सकती हैं। तो आप बोलिए आई एम ब्यूटीफुल। क्या आप ऐसा बोल रही हैं कि सर आई एम अ ब्यूटीफुल? वीडियो बंद मत कर देना, वो मैं मजाक कर रहा था। हाँ तो बहुत सारे बोले ऐसा कैसे कह दिया, मजाक कर रहा था, मजाक करता हूँ मैं। आपने क्या ऐसा बोला आई एम अ ब्यूटीफुल? नहीं, आपने बोला कि आई एम ब्यूटीफुल। तो ये ए क्यों नहीं लगाया? तो यहाँ पे भी राम इज ऑनेस्ट कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो सर हमने तो किताब में पढ़ा था सर, मैं बताता हूँ आपने क्या पढ़ा था। आपने पढ़ा था कि राम इज ऑनेस्ट बॉय। अब आपने लगाया था यहाँ पे एन। तो ये बच्चों को ऐसे सिखाइए कि बच्चों ऐसा है कि जो ये आर्टिकल होता है ना, ये नाउन के लिए यूज़ किया जाता है। अगर किसी सेंटेंस में नाउन नहीं है और केवल ऑनेस्ट लिखा है, तो आप वहाँ पर आर्टिकल नहीं लगा सकते। आपको बोलना पड़ेगा राम इज ऑनेस्ट। बट अगर बॉय लिखा हुआ आया, तो आपको बोलना पड़ेगा राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। बच्चों समझ में आया? बोले वास्तव में मैडम यार, आप कहाँ थे इतने दिन के, कि वास्तव में सर है यार यार। तो बच्चे कब बोलेंगे अंदर से, उनके वो चीज़ कब निकलेगी यार, वाकई में यार, मतलब क्या चीज़ बताइए। वो तब निकलेगी जब आप उनको अच्छे से सिखाएंगे। तो ये होते हैं मैगजीन्स, है ना? यूं केवल उससे थोड़ी काम चलता है कि हाँ चलो बच्चों लिखो लिखो। इट इज द एज ऑफ साइंस। अब इससे क्या होता है, ना तो आपका कुछ बढ़ेगा, मतलब ना तो आप कुछ सीख पाएंगे जीवन में, ना बच्चे सीख पाएंगे। जब आप खुद सीखेंगे नई नई चीज़ें, बच्चों को बताएंगे, तो बच्चों को भी लगेगा कि वास्तव में, और आपकी इज्जत भी करेंगे। वो टीचर की इज्जत बच्चा तभी करता है, बहुत सारे टीचर आप देखे होंगे कूटते हैं बच्चों, कूटने से कोई इज्जत थोड़ी कर रहा। वो थोड़ी दूर नहीं जाएगा ना, उसके दोस्तों को बोलेगा कि इज्जत वो आपकी तब करेगा जब आप उसको अच्छा पढ़ाएंगे, ठीक है? तो ये होते हैं मैगजीम्स। तो आप उसको क्या सिखाएंगे, नोन टू अननोन। और हाँ, अभी मैं कल 25 तारीख है, कल रात को 9:30 बजे अन अकेडमी पे क्लास लूँगा, जिसमें ये आर्टिकल आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा। तो उस क्लास में आप जरूर आइएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में आर्टिकल भी पूछे जाएंगे, है ना? बाकी बहुत सारे लोग तो आ रहे हैं जिनको पता नहीं है, वो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना कि सर उस क्लास की लिंक चाहिए, वो अन अकेडमी पर होगी, ठीक है? और मैं आपको भी बता दूंगा कैसे करना है, 9997651282। और जिनको बेसिक से इंग्लिश पढ़ना है कि सर हमको पूरा कोर्स करना है, तो वो इस नंबर पर संपर्क करें, तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप सब्सक्रिप्शन लेकर तैयारी इसकी कर सकते हैं, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। नोन टू अननोन के बाद में अगला जो आता है, वो आता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। देखिए सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता क्या है, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल थिंग्स शुड बी टॉट एंड देन कॉम्प्लेक्स थिंग्स, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। सबसे पहले आपको सिंपल चीज़ें पढ़ानी पड़ेगी, उसके बाद ही तो कॉम्प्लेक्स पढ़ानी पड़ेगी, है ना? बाय लर्निंग सिंपल थिंग्स लर्नर फील इंकरेज्ड। जब आप उनको सिंपल चीज़ें पढ़ाएंगे ना, तो जो लर्नर होगा वो कैसा फील करेगा, उसको करेज, साहस आएगा अंदर से, है ना? एंड कॉन्फिडेंट, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। दस दे कैन ईजिली अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं थोड़े उदाहरण ज़्यादा देता हूँ, है ना? हाँ, बिना उदाहरण के अपन बात नहीं करते, क्योंकि अपन पढ़ा नहीं रहे, अपन सिखा रहे हैं, ठीक है? हाँ, अपन कोई वैसा नहीं है कि चलो लिखो कॉपी में, इधर से कॉपी करके न उधर उतार दिया, वो मज़ा नहीं आता। ज़िंदगी का मज़ा आना चाहिए, है ना? काम भले 15 मिनट करो, पर मज़ा आना चाहिए। बहुत सारे लोगों को यार ये एग्जाम्पल क्या, हमको तो पढ़ा तो डायरेक्ट, ये तो सब किताबों में लिख रखे हैं, ये सब किताब की कॉपी है, ये देखो मैंने किताब से कॉपी पेस्ट कर रहा है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं टाइप करूँ। तो आप किताबों में पढ़ सकते हैं इनको, लेकिन मैं सिखा रहा हूँ, जिनको सीखना है वो वीडियो देखेंगे। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, देखिए बच्चों को आप पढ़ाइए कि देखो बच्चों एक बात बताइए, इन तीनों में से नाउन क्या होता है?
यहाँ पे आपने लिखा ब्यूटी, ब्यूटीफुल। चलिए बच्चों ये बताइए, इन दोनों में से नाउन कौन सा है? चलो बच्चे तो बाद में बताएंगे, पहले आप लोग टीचर बनने जा रहे हो, आप बताओ इन दोनों में से नाउन कौन सा है, बताइए। तो भैया इन दोनों में से जो नाउन है उसका तरीका बताता हूं मैं, आप कुछ मत करिए, माय बोलिए, माय बोलिए, बस इसके बाद आप बोलिए इसमें माय ब्यूटी या माय ब्यूटीफुल, क्या ठीक लग रहा है? ब्यूटी ये नाउन है आपका, तो ये चीज बच्चों को सिखाइए। बच्चे बोले वो हाँ यार क्या चीज बताई आपने, अब उनको फिर दूसरा एग्जाम्पल दीजिए कि चलो अब एक आप बताइए, ठीक है मैडम हम बताते हैं, चलो बताओ माय स्मार्ट, स्मार्ट और स्मार्टनेस इन दोनों में नाउन कौन सा है? बच्चे बोलेंगे कि माय स्मार्ट, नहीं जम रहा, माय स्मार्टनेस, और मैडम स्मार्टनेस नाउन है, वेरी गुड। तो ये क्या है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पहले सिंपल चीजें बताइए उनको, ऐसा लग उसको उनको लगना चाहिए कि यार ये टीचर पढ़ाएगा मेरे को, बस इसके अलावा कोई नहीं पढ़ा सकता, उनके अंदर इनकरेज इनकरेज हो जाने चाहिए, वो करे जाना चाहिए साहस के अब तो कर लूंगा मैं। फॉर एग्जाम्पल इफ लर्नर्स आर टू बी टॉट अबाउट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देन दे शुड बी फर्स्ट टॉट अबाउट सिंपल सेंटेंस, मतलब अगर आप उनको पहले कॉम्प्लेक्स पढ़ा देंगे तो वो आपसे पढ़ेंगे भी नहीं वैसे भी, है ना? अगर उनको कॉम्प्लेक्स पढ़ाना है तो पहले उनको सिंपल पढ़ाइए। अगला है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। अब ये क्या होता है सर, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट बताते हैं आपको, दोज थिंग्स विच कैन बी फेल्ड विथ अवर फाइव सेंस आर नोन एज कॉन्क्रीट रियल थिंग्स, वेर एज थिंग विच कैन बी इमेजिन्ड आर नोन एज एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। मतलब दोज थिंग्स विच कैन बी फेल्ट विथ अवर फाइव सेंसेस, पांच इंद्रियां होती हैं हमारी, और वो जो इंद्रियां होती है वो फील, जैसे कुछ सुगंध कुछ बदबू आ रही है यार, है देख देखना तो जरा, है ना? इंद्रियां जो होती है फाइव सेंसेस वो होती है कॉन्क्रीट, मतलब रियल थिंग, और वेयर एज थिंग विच कैन बी इमेजिन, और जब हम इनको इमेजिन करते हैं कि यार कहीं कुछ चूहा वूहा तो नहीं इधर, देखना तो यार, तो वो एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है ना? जैसे मैं आपको समझाता हूं, देखो एक और चीज होती है, देखो क्या लिखा है, थिंग्स थॉट विद द हेल्प ऑफ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, जब उनको आप है ना ऐसे फील करवाएंगे, जब मतलब बच्चों को बोलेंगे कि सोचिए आप, जैसे कि एक चीज मैं आपको बताऊंगा, अभी तो नहीं बताऊंगा, अभी टाइम नहीं इतना, अब बाद में बताएंगे, जो आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल अ लर्नर कैन इमेजिन अबाउट गोल्डन एप्पल ओनली इफ ही हैज सीन एन एप्पल। एक बात बताइए, जब तक आप किसी बच्चे को बोलेंगे कि चलो बच्चों गोल्डन एप्पल के बारे में सोचो, तो उसके पहले आपको उनको एप्पल तो बताना पड़ेगा ना कि एप्पल ऐसा होता है देखो गोल गोल। अब अगर उनको आपने एप्पल ही नहीं बताया तो वो गोल्डन एप्पल के बारे में कहाँ से सोचेंगे? तो इसलिए पहले उनको कॉन्क्रीट, पहले उनको उस चीज़ को फील करवाइए कि वो है क्या, उसके बाद में उनको इमेजिन करवाइए, तो इससे वो बहुत जल्दी सीखेंगे, ठीक है? आजकल एक साइकोलॉजी एक चीज़ चल रही है जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, मेरे कई सारे वीडियोज़ भी हैं इसके ऊपर, मेरा एक चैनल है श्याम मुजावदिया के नाम से, आप उसको देखिएगा, मैंने उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बता रखी है, और मैंने आज तक जो भी हासिल किया है उसमें ज़्यादातर योगदान लॉ ऑफ अट्रैक्शन का है। मतलब आजकल ये बहुत चल रहा है, लोगों को पता नहीं था पहली बात, लेकिन अब पता चल गई कि जो भी चीज़ आपको मिल रही है वो वही मिल रही है जो आप सोच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आप क्या सोच रहे हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा लग रहा है तो सिलेक्शन हो जाएगा, आप सोच रहे हैं मुश्किल है नौकरियाँ कहाँ मिल रही, नहीं इतना आसान थोड़ी है, नहीं कितने फार्म भरा रहे, 5 लाख फार्म भरा है अभी तो, कोई नौकरियाँ मिल रही क्या? तो कभी नहीं लगेगी, ये कॉन्सेप्ट आपके पूरे जीवन भर काम करेगा। आपको लग रहा है कि मैं कर पाऊंगा तो आप कर पाएंगे जैसे ही आपको लगा, क्योंकि भगवान ने जो भी शक्ति दी है सब आपके अंदर दी है, तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको आगे जीवन में क्या करना है, कोई दूसरा नहीं बताएगा आपको। तो आज मेरी क्लास का टाइम हो गया है 9:30, तो आज मैंने कहा लिंक नहीं टूटे इसलिए मैंने छोटा सा वीडियो आपके लिए आज बना रहा हूँ, तो मैक्सिम्स में आपको अब पढ़ा रहा हूँ जिसमें नोन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, तीन आपको समझ में आए होंगे, बाकी के मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, ठीक है? इसके अलावा जिस किसी को बेसिक से पढ़ना है तो मैंने आपको नंबर दिया है, इस नंबर पर मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको पूरी क्लास मिल जाएगी, ठीक है? मैं आपको पूरा बता दूंगा कि कैसे आप सब्सक्रिप्शन लेके और पूरी इंग्लिश पढ़ सकते हैं, और मैं आपको बता भी देता हूँ कि आपकी जो क्लास कल मैं लेने वाला हूँ, पहले आप वो क्लास देखिएगा,
ये क्लास होगी आपकी कहाँ पर? अनअकैडमी पर, है ना। फ्री क्लास है, इसका कोई चार्ज नहीं है। तो इस क्लास के लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पे अपन कल पढ़ेंगे आर्टिकल रात को 9:30 बजे। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाइएगा, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करिएगा, अपने मोबाइल नंबर डालिएगा और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा इस तरीके से, यहाँ पे एक स्टेट PSC करके, स्टेट PSC, उसमें जाइएगा। उसमें जाने के बाद आप MP PSC एंड व्यापम पे क्लिक करिएगा। जैसे आप MPPSC एंड व्यापम पे क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आपको मेरी क्लास दिखेगी और मेरा नाम है श्याम मुजावतिया। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ये क्लास इस तरीके से दिखेगी। इस पर कोड मांगा जाएगा, तो वो डाल देना आप श्याम 3 लाइव, तो आप इस क्लास को देख पाएंगे। कल से लगातार 5 दिन की क्लास रहेगी आर्टिकल की, रात 9:30 बजे बिल्कुल फ्री क्लास रहेगी, ठीक है। चलिए, यहाँ पे ये स्पेशल क्लास होती है, इसका टाइमिंग होता है सुबह 8 बजे, है ना, और एक रात 9:30 बजे। तो इसमें हम पढ़ेंगे पूरा कंप्लीट आर्टिकल, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट करते हैं तो मुझे भी मेरे अंदर भी एंथुसियाज्म आता है, उत्साह आता है। ओके गाइस, थैंक यू।